हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बेस्ट स्क्रब्स और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कराची में रह रहे हैं। आपको पता है कराची क्या है, आबोहवा कैसी है, ख़ासतौर पे जो समंदर के करीब हम जो रह रहे हैं। हर किसी की यहाँ पे हर तरह की स्किन आपको मिल सकती है, जस्ट लाइक ड्राई सेंसिटिव स्किन, लेकिन मोस्टली सबकी स्किन के साथ ऑयली स्किन का मसला ज़रूर है। सो स्क्रब के लिए खासतौर हम स्क्रब यूज़ क्यों करते हैं। स्क्रब हमारा एक्सफोलिएशन के स्किन के लिए एक्सफोलिएशन के प्रोसेस स्किन में हेल्प करते हैं। एक्सफोलिएशन के प्रोसेस क्या है? एक्सफोलिएशन का प्रोसेस ये है कि हमारे पुरानी स्किन की जो लेयर है या फिर हमारे जो डेड सेल्स हैं वो हमारी स्किन से निकले और नई स्किन के सेल्स की जगह बने और नए स्किन की लेयर आए। तो हमारे पास ये स्क्रब्स हैं और मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है इन तीनों स्क्रब्स के साथ वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। सो इस ईयर पूरे साल मैं सबसे पहले ये डर्माकॉस का गावा ग्लो स्क्रब यूज़ करती रही हूँ और इससे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो हुई है। इसमें मेरे पुराने मार्क्स चले गए हैं चेहरे से और उसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है। सर, इसमें जो इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, ये इनका एंटीऑक्सीडेंट है, एक्सफोलिएंट्स में मदद करता है, स्किन वाइटनिंग है और स्किन ब्राइटनर है एंड स्किन पॉलिश भी करता है। इसका रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है, सही है। और ये अफोर्डेबल प्राइस में भी आता है। ये है हमारा अंडर 400 रुपीज़ है। ये आपको कहीं से ही मिल जाएगा, चेयर से मिल जाएगा, लेकिन ये डर्माकॉस के प्रोडक्ट आम जो शॉप्स वगैरह होती हैं, छोटी जो कॉस्मेटिक्स की शॉप होती है, वहाँ अक्सर नहीं मिलता, लेकिन चेयर वगैरह में इम्तियाज से आपको मिल जाएगा। हमारे पास है अब ये ब्लैसो का वाइटनिंग स्क्रब। इसके स्क्रब का इंस्टा रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप ये ब्लैसो का मास्क के साथ इस्तेमाल करते हैं, इसके स्किन का ग्लो बहुत ज़बरदस्त आता है। रात में आप इस्तेमाल करें और फिर सुबह तक आपको स्किन लगेगी आपकी स्किन अभी तक ग्लो कर रही है। तो इन्होंने ठीक है, इसका मुझे एक और बात बतानी थी कि एक्सफोलिएशन का जो प्रोसेस होता है हमारा, मतलब कि जो स्क्रब हम यूज़ कर, जो हमारे स्किन के लिए स्क्रब ज़रूरी है, वो हम हर किसी के लिए हफ्ते में एक से दो दिन स्क्रब यूज़ करना लाजमी है, ठीक है। लेकिन जो ऑयली स्किन वाले हैं वो हफ्ते में 3 दिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो मैं अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं तीन से चार बार हफ्ते में इसका ज़रूर यूज़ करती हूँ, खासकर अपने मेरी स्किन के लिए, सही है। और अच्छा, ये स्किन विटर के बारे में बताओ। स्किन विटर का आप इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे इसके रिव्यूज़ बहुत देखे होंगे। इसके रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त है और इसकी स्किन विटर की फेशियल किट आती है। अगर आप स्किन विटर की सारे प्रोडक्ट्स एक साथ यूज़ कर रहे हैं तो इसका रिज़ल्ट एक हफ्ते में बहुत ज़बरदस्त आता है। उसकी जो पूरी फेशियल जो किट है स्किन विटर की, इसके अंदर आपको फेस वॉश, क्लींजर, मास्क, स्क्रब और पॉलिशर इसके पूरा मौजूद होता है, सही। ओके गाइस, ओ ये मेरे थे स्क्रब जो कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इसके साथ बहुत ज़बरदस्त होता है और इससे कोई भी नेगेटिव या फिर मतलब मेरी स्किन पे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। खासकर मेरी स्किन थोड़ी सेंसिटिव टाइप है और मतलब मुझे बहुत रैशेस हो जाते हैं अगर मेरी स्किन पे कोई प्रोडक्ट याद ना आए उस पर, और ऑयली स्किन ज़्यादा है, तो ये इसके रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, एक और बात मैं ये कहूँगी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें 19+ की बात करें, 19+ गर्ल्स जो हैं उन्होंने आज तक अगर कोई स्क्रब यूज़ नहीं करा और उनके पहले एक्ने निकल चुके हैं और उनके स्किन पे एक्ने स्कार भी हैं, ठीक है, और ब्लैक हेयर्स हैं, वाइट हेयर्स हैं, तो वो पहली बार स्क्रब यूज़ करना चाहें, मैं उनको रिकमेंड करूँगी कि डर्माकॉस का आप ये गावा ग्लो स्क्रब यूज़ करें, ठीक है, या हफ्ते में 2 बार यूज़ करें और इसके रिज़ल्ट आपको फ़ौरन ही नज़र आ जाएगा, 2 हफ्ते बाद ही, एक ही हफ्ते बाद नज़र आ जाएगा वैसे वो। अच्छा, ब्लैसो की बात करूँ, ब्लैसो में मैं आपको टीन एज गर्ल्स की बात करूँगी जिन्होंने आज तक कभी भी स्क्रब यूज़ नहीं करा है, तो अगर पहले स्क्रब यूज़ करना चाहता है टीन